students, I am Pushpendu Banerjee. Today we will discuss about differential equation. आपका जो गेट एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, उस एग्ज़ाम में डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अंदर जो टॉपिक आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो है व्हाट इज ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज कॉची ऑयलर इक्वेशन है, ये सब आपके सिलेबस के अंदर है। सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एट फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, क्या डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अंदर जो y आता है e है डिपेंडेंट, क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, ये इम्पोर्टेंट है, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं डी वाई डी एक्स, इसको हम कैसे बोलते हैं, वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वही डेफिनेशन में कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये डी वाई डी एक्स हम लोगों का एक डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पर है, इसके बाद जो है वो है ऑर्डर, क्या है ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखिए डेफिनेशन आप लोगों का बुक से ही पता चल जाएगा, जो राइसिंगानिया की बुक है वो बहुत ही अच्छा बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, एमडी राइसिंगानिया। तो ऑर्डर के, ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या है, लेट डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ये है डिफर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवेन है। क्वेश्चन है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री कितना है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है
इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर है। क्या है? सेकंड ऑर्डर है। क्या है? सेकंड ऑर्डर है। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो है 2 एंड डिग्री। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर का पावर कितनी है? इस ऑर्डर का पावर कितनी है? 1 है। मतलब डिग्री इसका है 1। क्या है? 1 डिग्री इसका है। 1 डिग्री का डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इस इक्वेशन में हम लोगों का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? dy dx। इसका डिग्री, इसका पावर जो होगा वही इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलेंगे। लेट अस डू सम एग्जांपल्स। ठीक है, एक नंबर, एग्जांपल नंबर 1। y इक्वल्स टू x dy dx प्लस, छड़ी एक इजी, पहला हम जब कर रहे हैं तो इजी, एक इजी एग्जांपल लेते हैं। लेट d3y dx3 प्लस 5 dy dx होल स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। जब भी क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाता है, हम पहले क्या देखेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है? थर्ड ऑर्डर है। क्या है? थर्ड ऑर्डर। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? थर्ड ऑर्डर के। सो ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज 3। एंड ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है? इसका पावर है 1। मतलब इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री होगा वो होगा 1। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। एक मिनट वेट कीजिए। देखिए इसके बाद क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 2 दिया है dy dx 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। देखिए इसका तो एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है? dy dx। ये ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर इक्वल्स टू 1 और डिग्री क्या है? डिग्री है। इसका जो पावर, इसका जो पावर, ये जो ऑर्डर है डेरिवेटिव है, इसका जो पावर है कितना है? 5 डिग्री इसका 5 हो जाएगा। ऑर्डर है 1 डिग्री 5। क्या दिया है क्वेश्चन? सर रूट अंडर y प्लस dy dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? हम लोगों का पहला काम क्या है, जब भी रेडिकल आता है, ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर और डिग्री का डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिग्री का डेफिनेशन में कि द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। क्या? फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मतलब इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट है तो हम लोग SBS कर देंगे,
क्या कर देंगे, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो बोथ साइड स्क्वायर करने से हम लोग का क्या आएगा इक्वेशन, वाई प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है वन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस ऑर्डर का पावर कितना है, पावर है टू, मतलब डिग्री क्या है, डिग्री है टू। ये हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल चीज़ है ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना एक डिफरेंशियल इक्वेशन के। इस बार हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ेंगे व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन हम लिख नहीं रहा, अब बुक से पढ़ लेंगे, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। बोल रहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। A differential equation is said to be linear if every dependent variable and every derivative involved occur in the first degree only. What? Occur in the first degree only. Occur in the मतलब आपका जो derivative occur करेगा dy dx, मान लीजिए कि ये dy dx derivative एक equation में आया है, तो इसका जो order होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मस्ट बी वन। ऑर्डर कितना होगा, वन। ऑर्डर मस्ट बी वन एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई, वाई भी, वाई का पावर, पावर ऑफ वाई मस्ट बी वन। क्या होगा, पावर y का पावर भी वन होगा, y का पावर भी वन होगा। और जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जो डेरिवेटिव हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, एंड एवरी डेरिवेटिव नॉट हाइस्ट ऑर्डर, एवरी डेरिवेटिव इसका पावर कितना होगा, वन, फर्स्ट डिग्री होगा। एवरी डेरिवेटिव इनकॉल फर्स्ट डिग्री होगा। एंड दो नंबर, ये तो एक नंबर क्या, और दो नंबर क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, मतलब वाई के साथ डी वाई डी एक्स नहीं होगा, मतलब वाई इंटू डी वाई डी एक्स नहीं होगा। जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट के रूप में ऑकर कर जाता है, सपोज़ कीजिए कि कर गया, प्रोडक्ट के रूप में एग्जिस्ट कर गया, तो उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट के रूप में ऑकर हो गया तो आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक इन दिस लाइन, हेयर आई रिटेन दैट ऑर्डर मस्ट बी वन, बट इट शुड बी डिग्री नॉट ऑर्डर, इट शुड बी डिग्री मस्ट बी वन। द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इट्स डेरिवेट इट्स डिग्री मस्ट बी वन। एग्जाम्पल लीजिए कि साइन डिवाइड एक्स प्लस डी टू वाई डी एक्स टू, साइन डिवाइड एक्स प्लस डी टू वाई डी एक्स टू प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री। तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है इसका हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, टू, ऑर्डर टू, और इसका पावर जो है वन है, डिग्री
लेकिन सपोज कीजिए कि ये दिया हुआ साइन डी वाई डी एक्स प्लस थ्री ए कोस्टेंट, ठीक है, क्या दिया हुआ साइन डी वाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स कोस्टेंट। इसका जो डेरिवेटिव है ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ऑर्डर तो इसका वन है, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है वो साइन फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ, किसके साथ, साइन फंक्शन के साथ। ये साइन फंक्शन का एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, साइन फंक्शन को अगर हम साइन एक्स को हम एक्सपेंड करेंगे तो एक इनफाइनाइट सीरीज का टर्म आएगा, क्या आएगा, एक इनफाइनाइट सीरीज का टर्म आएगा। सो जब भी आपका डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है तो उस इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। सो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। जब भी एग्जांपल, लेट्स डू सम एग्जांपल, आपको क्लियर होगा, एग्जांपल के साथ आपको क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है कि ई टू दी पावर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी टू वाई डी एक्स टू है, मतलब इसका ऑर्डर तो टू है। और इसका डिग्री क्या होगा। ये देखिए ये ई टू दी पावर एक्स की फॉर्म में है, ई टू दी पावर एक्स का आप हम जब भी इसका इन्फाइनेट सीरीज बार करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होगा ई टू दी पावर एक्स मतलब डी टू वाई डी एक्स टू। तो ई टू दी पावर एक्स जब ई टू दी पावर डी टू वाई डी एक्स टू इफ यू पुट एक्स की जगह डी टू वाई डी एक्स टू क्या होगा, वन प्लस डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी टू वाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका ऑर्डर नॉट डिफाइंड। इस टाइप का जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका ऑर्डर नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, ऑर्डर नॉट डिफाइंड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर नॉट डिफाइंड। और आपका जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ई टू दी पावर समथिंग और साइन डी वाई डी एक्स और कॉस और टेन जिसका इनफाइनाइट सीरीज होता है, ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर, एग्जाम्पल लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है, दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स डी वाई डी एक्स प्लस के बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है। तो इसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स के साथ डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के। देखिए क्या बोला था डेफिनेशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होगा, मल्टीप्लाई के रूप में
नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव ऑकर. नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑकर. ऑकर तो कर रहा है, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड डी वाई डी एक्स क्या है, इसका डेरिवेटिव है, मतलब इसका ये एक नॉन लीनियर. एक और देखिए, इसका जो डी वाई डी एक्स है इसका पावर कितना है, 2. लेकिन हमारा जो डेफिनेशन था क्या बोला था, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली. क्या ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली. इसका तो ऑर्डर क्या है, 2 है, मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. एग्जाम्पल 2, डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस साइन एक्स, वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस साइन. देखिए इसका जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 1. कितना है, 1. और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 1. मतलब ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 1 होगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर भी 1 होगा. जब भी इस टाइप का इक्वेशन ऑकर करता है तो क्या हो जाता है, लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. डू सम मोर एग्जांपल. दिया हुआ है कि डी टू वाई डी एक्स टू क्यू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स रूट टू दी पावर 5 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. क्या है, डी टू वाई डी एक्स टू होल टू दी पावर 5 प्लस डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स टू होल क्यूब प्लस डी एक्स डी वाई डी एक्स होल टू दीपर 5 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इसका ऑर्डर कितना हो, ऑर्डर तो क्लियरली 2 है, मतलब ऑर्डर 2 है. इसका जो पावर हो 3 है, मतलब डिग्री 3 है, ऑर्डर 2 है. डिग्री कितना है, 3 डिग्री का है. अब देखेंगे लीनियर है कि नॉन लीनियर. तो देखिए ये जो डेरिवेटिव ऑकर कर रहा है डी वाई डी एक्स, इसका पावर कितना है, 5. ये क्या होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए था. और बात देखिए डी टू वाई डी एक्स टू, इसका डेरिवेटिव कितना है, 3 है. ये 3 का जाएगा, ये 3 है ना, अगर ये 1 हो जाता तो ये लीनियर हो जाता. डेरिवेटिव इसका डिग्री 3 है, मतलब ये नॉन लीनियर है. क्या है, नॉन लीनियर, ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. आई थिंक आपका ऑर्डर डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा. और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.